सर यहाँ तो माँ की कृपा काफ़ी अच्छी है, हम तो यही बोलेंगे क्योंकि हमने तो देखा है यहाँ पे प्रमाण माँ का बहुत कृपा बना हुआ रहता है सब भक्तों पे, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इतना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इतने लोग आते हैं, ये इनका श्रद्धा का ही तो बात है। इस तालाब में स्नान करके सूर्य भगवान से जो भी मांगिएगा वो आपको सच्चे मन से मिलेगा, सच्चे मन से अगर आप आराधना करते हैं तो आपकी मन्नत पूरी होगी। और जिसका साक्षात मैं खुद प्रमाण हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पूजा अर्चना किया, उसके बाद मैंने मांगा कि मुझे नौकरी मिले और मैं आज रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं बड़गांव में और बड़गांव में जो सूर्य मंदिर है नालंदा जिला में ये पड़ता है बिहार के, वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है इस बार जो है चैती छठ यहाँ पे आरंभ किया जा रहा है, मतलब हर साल किया जाता है, तो इस बार हम इसमें शामिल हुए हैं। लेकिन आज मुझे आते आते शाम हो गई और आज जो शाम का जो अर्घ है वो सम्पन्न हो चुका है। तो दोस्तों ये जो ब्लॉग होगा, ये जो अब वीडियो होगा दो पार्ट में होगा। आज जो है आज का मैं आपको अपडेट दूंगा बाजार का, यहाँ पे किस प्रकार मेला लगता है या फिर क्या कुछ तैयारी यहाँ पे है। और कल जो वीडियो आएगा वो सुबह में जो आएगा मॉर्निंग का जो अर्घ होता है उसका वीडियो आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी जगह को बड़गांव का जो सूर्य मंदिर जो है फेमस, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसी को आज इस वीडियो में घुमाने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बिहार ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इस जगह से वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं हूँ सूर्य मंदिर का जो तालाब है जिसमें अर्घ को संपन्न किया जाता है, तो यहीं से आपको घुमाते हुए इधर क्या कुछ तैयारी है पूरा दिखाते हुए आपको सूर्य मंदिर है वहाँ पे लेके चलूँगा। और सूर्य मंदिर में आज रात 9 बजे श्रृंगार होने वाला है भगवान सूर्य देव का, तो उसे भी इस वीडियो में कवर करूँगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा आपको यहाँ पे क्या इंतजाम है उसे घुमाते हुए आपको सूर्य मंदिर तक का दर्शन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सूर्य मंदिर तालाब का जो मेन द्वार है यहीं से एंट्री होता है सूर्य मंदिर तालाब में जाने के लिए, और इसी के अंदर जो है अर्घ को संपन्न किया जाता है। तो इसे अंदर चलते हैं और अंदर जो है किस प्रकार यहाँ पे अर्घ दिया जाता है उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा सूर्य मंदिर तालाब। ये दोस्तों चलते हैं इस गेट से इस तालाब की ओर और इधर का जो है क्या व्यू है, मतलब किस प्रकार तैयारी है या फिर किस प्रकार जो है वर्ती जो है वो अर्घ देते हैं उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं तालाब के नज़दीक आ गया हूँ और ये देखिए सूर्य मंदिर का तालाब जो है यही तालाब है। और यहाँ पे देखिए कितना लोग इकट्ठा है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग छठ पर्व जो है मनाने आते हैं। देख लीजिए यहाँ पे लोग कैसे बैठे हुए हैं, इधर देख लीजिए बहुत सारे लोग यहाँ पे यहीं पे आते हैं और यहीं पे रात में स्टे करते हैं और फिर दोबारा सुबह का जो अर्घ होता है वो यहाँ पे संपन्न करके फिर अपने अपने घर को जाते हैं। यहाँ पे पूरे बिहार से नहीं पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पे छठ पूजा मनाने के। तो दोस्तों यहाँ पे जो है छठ पूजा को संपन्न करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग से मैं बात करूँगा कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पे छठ जो मनाते हैं वो यहाँ पे मनाने में उनको कितना अच्छा लगता है या फिर कितना मतलब भव्य तरीके से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया। दोस्तों यहाँ पे हम ब्लॉग शूट कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हैं, तो आप बताइए यहाँ पे छठ पूजा जो है किस प्रकार मनाया जाता है। हाँ भाई ये छठ पूजा बहुत ही मतलब कि अच्छे मतलब कि बहुत मतलब कि ये साल ना ये छठ पूजा है ना जो बहुत साल से मनाया जा रहा है, सब अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं इसको और क्या है। और अच्छा मेला लगता है यहाँ पर, मतलब धूमधाम से मेला लगता है, मतलब हजारों मतलब लाखों में आता है यहाँ पर छठ पूजा। कहने का मतलब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे छठ पूजा मनाने के। हाँ दूर दूर से आते हैं मेला। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु कुमार। और आपका? गौरव कुमार। चलिए धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से छठ पूजा मनाने आए हैं। तो भैया आप ऊपर जाइएगा थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे स्टे कर रहे हैं रात में, मतलब शाम का अर्घ कंप्लीट हो गया है, संपन्न हो गया है और मॉर्निंग के अर्घ का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और कहाँ से आप आए छठ पूजा मनाने के लिए। सर मेरा नाम सर बिट्टू कुमार हुआ, हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। अच्छा मुंगेर से आप आए? हाँ यस सर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से। छठ मतलब कितने टाइम से मनाने आ रहे हैं, पहला बार आए हैं? नहीं सर, हम इससे पहले 3 साल पहले भी आए हुए थे, उसके बाद तो कोविड का दौर था, कोविड के दौर में तो हम लोग में से कोई भी नहीं आया, कोविड में तो सब बंद था, छठ पूजा घर पे ही लोग किए थे, उसके बाद हम लोग सब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हुए हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो सेकंड टाइम हम आए हैं कोविड के बाद। यहाँ पे आकर के छठ पूजा मना के आपको मतलब कैसा लगता है यहाँ पे, मतलब किस तरीके से मनाया जाता है? सर यहाँ तो माँ की कृपा काफ़ी अच्छी है, हम तो यही बोलेंगे क्योंकि हमने तो देखा है यहाँ पे प्रमाण माँ का बहुत कृपा बना हुआ रहता है सब भक्तों पे, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि इतना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, इतने लोग आते हैं, ये इनका श्रद्धा का ही तो बात है, इनकी शक्ति की ही तो बात है ना। यहाँ पर नहा करके सब लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनकी जो मनोकामनाएं होती है वो सारी मनोकामनाएं सबकी पूरा होती है, तब तो इतने लोग आते हैं ना। हम लोग भी हमने देखा है माँ की कृपा को साक्षात। अच्छा
इनका कहने का मतलब कि यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो यहाँ पे जो भी अपना मन्नत मांगते हैं सभी का मन्नत पूरा होता है। और मन्नत पूरा होने के कारण यहाँ पे इतना भीड़ लगता है। यहाँ पे जो है सूर्य भगवान का मंदिर जो है काफी पहले से फेमस है। और ये सूर्य मंदिर का तालाब में अभी हम है, तालाब के पास में जहाँ पे अर्घ पड़ता है वही के बारे में ये भाई साहब बता रहे हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ सर। अच्छा आपने पहले बताया था? हाँ यस सर, मैंने पहले बताया। यस अच्छा आपका नाम क्या हुआ बताइए आप? मेरा नाम शशिकांत हुआ। अच्छा मैं मोकामा बिहार से आया हूँ। अच्छा आप मोकामा से आए हैं जी। तो छठ पूजा यहाँ पे मतलब कितने साल से मना रहे हैं? फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए? नहीं मैं ये लगा पांचवी बार आया हूँ। अच्छा पांचवी बार आया है। मतलब यहाँ पे क्या मान्यता है, यहाँ पे लोग क्यों? यहाँ पे मान्यता है कि अगर आप इस तालाब में स्नान करके सूर्य भगवान से जो भी मांगिएगा वो आपको सच्चे मन से मिलेगा। सच्चे मन से अगर आप आराधना करते हैं तो आपकी मन्नत पूरी होगी। और जिसका साक्षात मैं खुद प्रमाण हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पूजा अर्चना किया, उसके बाद मैंने मांगा कि मुझे नौकरी मिले। अच्छा। और मैं आज रेलवे में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा आप रेलवे में नौकरी भी कर रहे हैं, तो ये छठी माई मैया की मतलब कृपा है, महिमा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रमाण है, हम उस बार सबसे फर्स्ट टाइम आए हुए थे इनके साथ में। अच्छा, अच्छा। और यहीं पर इसी घाट पे हम लोग खड़े हुए थे। अच्छा। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम नया जगह पे जा रहे थे। हम लोग सब कोई भी नए जगह पे जाते हैं तो एक्साइटेड होता है। और आज के तो युवा लोग सभी सब चीजों में पता नहीं विश्वास नहीं करते हैं, बट हम लोगों का तो विश्वास है क्योंकि हम लोगों का पता नहीं ऐसा संस्कृति रह चुका है, हम लोगों का घर का संस्कार रह चुका है। छुट्टी लेके भी इस पर्व को मनाने के लिए आता हूँ। पोस्टेड मतलब रेलवे में कहाँ पे नौकरी? मैं पोस्टेड मुगलसराय में हूँ। अच्छा मुगलसराय में जी, यानी यूपी में। जी चलिए आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम रजनीकांत है। अच्छा मैं मोकामा बिहार से हूँ। अच्छा आप दोनों मोकामा से ही हैं? जी हम दोनों भाई हैं। अच्छा दोनों भाई हैं। अच्छा, हम लोगों का दोस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो छठ पूजा करने के लिए आए हुए हैं, आखिर यहाँ पे लोग इतने सारे इकट्ठा क्यों होते हैं, आखिर इतना भीड़ क्यों यहाँ पे होता है। मैंने यहाँ पे पब्लिक रिव्यू लिया हुआ, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परवैतिन आए हैं या फिर परवैतिन के साथ जो लोग आए हुए हैं उनसे मैं यहाँ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। तो सब आप लोग को धन्यवाद। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे एक बार जयकारा लगाते हैं छठी मैया के। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जितना भी व्रती हैं शाम का अर्घ संपन्न कर चुके हैं और सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सुबह हो जाएगा सभी लोग जो है उस तालाब में जाएंगे और अपना अपना अर्घ जो है मॉर्निंग का अर्घ को संपन्न करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे तो एक और भाई मिले हैं, वो बोले कि हम भी कुछ इस ब्लॉग में बोलना चाहेंगे यहाँ के बारे में। तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। नवल कुमार। नवल कुमार जी आप कहाँ से आए हैं? बीरोड़ियारा से। बीरोड़ियारा से। अच्छा धनरुआ बीर। हाँ धनरुआ बीर पटना जिला। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे मतलब कितने साल से आ रहे हैं आप? पहला बार आए हैं? हम तो पहला बार आए हैं, परिवार सब आ रहे थे। अच्छा तो मतलब यहाँ पे मतलब क्यों आते हैं लोग, इतना भीड़ क्यों रहता है, आखिर कुछ तो कारण होता होगा ना? धाम बढ़िया है सब यही से आता है। धन्यवाद आप। धन्यवाद कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और यहाँ पे सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। सामने देखिए वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया। तो वहाँ से मैं ऊपर की ओर आ गया हूँ और इधर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इधर जो है क्या कुछ तैयारियाँ है। कि यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है जो कि नालंदा सिलाब से यहाँ पे लगाया गया है। तो रात के 9 बजने वाले हैं और अभी भी देखिए यहाँ पे जो है कितना भीड़ है। और सामने देखिए आपको प्रशासन भी दिख जाएंगे, मतलब पूरी सुरक्षा यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए कितना भीड़ है इस बड़गांव के इस जगह पे, के सामने आपको यहाँ पे प्रशासन भी दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जिला आपदा प्रबंधन शाखा नालंदा की ओर से यहाँ पे जो है प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और ये लोग जो है सभी का निगरानी कर रहे हैं और देख रेख कर रहे हैं। और आगे मैं वहाँ चलता हूँ, वहाँ पे देखिए सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी रखी जा रही है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रशासन मौजूद है और सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगाया गया है, तो मैं आपको यहाँ की तैयारी के बारे में दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख लीजिए इस साइड में जो है सीसीटीवी कैमरा से जो है पूरे यहाँ पे जो तालाब है उस पर निगरानी रखा जा रहा है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कुछ भी अगर यहाँ पे कोई बच्चा बुला जाते हैं तो यहाँ पे अनाउंसमेंट करने की व्यवस्था की गई है। और देखिए इधर जो है प्रशासन लोग खड़े हैं और यहाँ पे एक सर हैं जिसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे जो है कितना तैयारी है या फिर क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे।
तो सर आप बताइए यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है, मतलब कैसा यहाँ पे व्यवस्था है? बहुत बढ़िया प्रशासन द्वारा किया गया है, कोई सब दिक्कत नहीं हो रही है। किसी आम पब्लिक दूर दूर से आए हुए हैं छठ के घाट के नाम पर, शांति से सब निकल रहा है। कोई परेशानी नहीं, किसी का बाल बच्चा बुलाया जाता है उसे अनाउंस करके बुलाया जाता है गार्जियन को, और गार्जियन अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब ये छठ जो महापर्व यहाँ पे जो मनाया जा रहा है, ये कितने सालों से मनाया, आपके अंदाज से अगर बताएंगे तो कितने सालों से मनाया जा रहा है? बहुत दस वर्षों, बहुत दस प्राचीन काल से लोग बनाते हैं यहाँ, बहुत दिनों से मनाते हैं, बहुत लंबा। उन नेताजी से बात किया जाए बताएंगे, वार्षा दस है यहाँ के, हम लोग बाहरी आदमी है वो बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो सर यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो छठ महापर्व है ये मतलब कितने दिनों से मनाया जा रहा है यहाँ पे, तो आप बताइएगा सर। प्राचीन काल से ये पर्व मनाया जा रहा है, करीबन प्राचीन काल मतलब बहुत पहले, बहुत पहले शायद हम लोग को अंदाजा भी नहीं होगा। हाँ, उस समय हम लोग का यहाँ है ही नहीं। हाँ। तो बहुत दिनों से मनाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, कुछ ऐसा मान्यता होगा ना भाई? या फिर लोगों की मनोकामना पूरी होती होगी? हाँ, लोगों का जो मनोकामना पूरा होता है माता पूरक पूरी करते हैं, उनके उपदेश से बहुत बहुत मतलब कह नहीं सकते हैं जितना भीड़ भी रहता है। हाँ। और सबका मनोकामना पूरा होता है। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं सूर्य मंदिर की तरफ, और सूर्य मंदिर से तालाब की जो दूरी पड़ती है लगभग 200 मीटर की पड़ती है, तो अब हम जो है सूर्य मंदिर का जो तालाब है उससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और जो सूर्य भगवान का मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं, और मंदिर में क्या है, क्या व्यवस्था है उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ सूर्य मंदिर के गेट के पास में, और देखिए यहाँ पे सूर्य भगवान का जो आरती है वो शुरू हो गई है। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और देखिए यहाँ पे ये गेट है सूर्य मंदिर का, और इसी गेट से हम अंदर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा एरो बनाकर सूर्य मंदिर, और अंदर जाने का रास्ता यही है, देख लीजिए। तो मैं चलता हूँ अंदर की तरफ। तो देखिए ये सूर्य मंदिर का मेन द्वार है, देखिए प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैं मंदिर से अब अंदर की तरफ जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको पूजा का सामग्री भी मिल जाएगा मंदिर के गेट पे, और देख लीजिए यहाँ पे आरती जो है प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है, और सभी लोग जो है आप दर्शन के लिए यहाँ पे इंतजार में खड़े हैं। देखिए कितना भीड़ हो गई है, उस समय भीड़ बहुत कम था, लेकिन जब आरती जैसे ही संपन्न हुआ है और आरती हो ही रहा था उसके दौरान जो है लोग यहाँ पे जुटते चले गए, और अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जो है लोग दर्शन करके फिर बाहर को निकलते जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि यहाँ पे सूर्य भगवान का श्रृंगार किया जाएगा, और श्रृंगार करने के बाद यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है। तो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हमारे साथ इस प्राचीन सूर्य मंदिर का दर्शन कीजिए, और इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे साक्षात सूर्य भगवान विराजमान है, और यहाँ पे जो भी सच्चे मन से सच्चे दिल के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो अब यहाँ पे काफी भीड़ खत्म हो गई है, अब चलते हैं हम भी भगवान सूर्य देव के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए, तो क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। आपका? रोहित राज। आपका? सुमन सौरभ। आपका? छोटू कुमार। आपका? सूरज कुमार। तो एक बार प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।
एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए सूर्य भगवान की जय। एक बार प्रेम से और जोर से बोलिए सूर्य भगवान की जय। छठी मैया की जय। सजाई पोखरी दोस्तों यहाँ पे हमारी दर्शन हो गई है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय छठी मैया। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छठी मैया।